हेलो एवरीबॉडी तो आज हम डिस्कस करने वाले कि सी एग्जाम्स के अंदर क्या चेंजेस हुए हैं सेकेंड जून को उसका आपका नोटिफिकेशन आया था फर्स्ट ऑफ ऑल समथिंग अबाउट मी आई एम सी ए राहुल पंचाल और आप मुझे फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे इसके लिए आप इस इमेज के ऊपर क्लिक कर देना यू विल बी डायरेक्टेड टू दैट नाउ लेट्स कम टू दिस सर सी फाइनल में क्या चेंजेस किए गए ये सी फाउंडेशन पहले देन सी इंटर और सी फाइनल और सी फाइनल अपियर करने से पहले आपको क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होगी अभी लेट्स हैव लुक सर सबसे पहले अगर हम सी ए फाउंडेशन की बात करते गए सी ए फाउंडेशन के यू कैन हैव लुक सी ए फाउंडेशन के अंदर चार सब्जेक्ट है अभी एक आपका अकाउंटिंग दूसरा बिजनेस लॉ क्यू एंड आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स येस अभी आपके दो सब्जेक्ट को कर दिया है बाई बाई विच इज बी के सी बी सी के एंड बी सी आर करके उसको रिमूव कर दिया गया नाउ यू गाई विल बी हैविंग ओनली फोर सब्जेक्ट्स इन सी ए फाउंडेशन उसके बाद पासिंग परसेंटेज क्या है फिफ्टी परसेंट ईच पेपर में आना चाहिए एंड 25% फाइव परसेंट निगेटिव मार्किंग फॉर पेपर नंबर थ्री एंड फोर फॉर ईच रॉन्ग आंसर मतलब अगर आप ये पेपर नंबर थ्री और फोर की बात करोगे तो विच इज एमसीक्यू क्यू बेस्ड राइट है तो ठीक है रॉन्ग है तो पॉइंट टू फाइव मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे डांसर सो so, ये हो गया ऑल अबाउट सी ए फाउंडेशन लेट्स कम टू सी इंटर सी ए इंटर में पहले आर्ट सब्जेक्ट्स हुआ करते थे

आपका अभी ग्रुप टू में आ गया है टैक्सेशन देर इज ऑडिट एंड एफ एम एन ई को इससे आपका ई आई एस रिमूव तो Sorry, आपका क्या कर दिया गया है Now, subjects, SM, चलो, तो दिस अच्छा सर पासिंग क्राइटेरिया इंटर का क्या रहेगा तो इंटर और फाइनल का पासिंग क्राइटेरिया सेम ही रहेगा सो फर्स्ट लेट्स डिस्कस अबाउट द फाइनल पार्ट सर फाइनल में भी इंटर में भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट uh, नाम है एडवांस एफ एमर इजिट गाइज ग्रुप टू में डी टी आई डी टी एंड वन मोर पेपर विच इज एडेड इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन तो आप देख सकते हो यहां से लॉ को रिमूव कर दिया गया है और यहां से एस को सुनो रिमूव मतलब ऐसा कंप्लीटली नहीं अब उसको कहीं पे शिफ्ट किया है कहां पे वी विल सी बट अभी के लिए सी फाइनल में उसको रिमूव कर दिया गया है आपका कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ और आपका एस सी एम पी दैट हैज बिन रिमूव ओके डन सो ये हो गया अगर आपको ये हो गया इसके बाद अगर हम आगे जाएंगे इफ यू पी डी एफ आई विल लिंक दिप्स आई विल गिव द डिस्क्रिप्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन आई विल गिव दैट ओके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक अभी सर सी ए इंटर हो या सी ए फाइनल हो पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा सर पासिंग क्राइटेरिया का होगा तो देखो सर पासिंग क्राइटेरिया फर्स्ट ऑफ ऑल जिस जितने भी छः पेपर है आपके आ, यहाँ पे इंटर में हो या फाइनल में हो जो रिमूव है वो यहाँ पे बता दिए गए हैं रिमूव वाले ना ऑल सिक्स पेपर्स में आपको थर्टी परसेंट एम सी क्यूज रहेगा जो केस स्टडी और केस सिनारियो बेस्ड रहेगा एंड सेवेंटी परसेंट डिस्क्रिप्टिव जो आपको लिखना रहेगा तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है और इसमें आपका यहां पे अगर आप देखोगे पासिंग क्राइटेरिया क्या है पहले पेपर कैसा होगा तो 30% परसेंट एमसीक्यू सेवेंटी परसेंट डिस्क्रिप्टिव फोर्टी परसेंट आपको हर सब्जेक्ट में लाने होंगे और 50% परसेंट एग्रीगेट इसमें कोई चेंज नहीं है सर ये तो नॉर्मली है कि 40% परसेंट लाने होते हैं और एग्रीगेट में 50% परसेंट भले वो इंटर हो या फाइनल हो अच्छा सर 25% फाइव परसेंट निगेटिव मार्किंग है फॉर रॉन्ग आंसर तो ये जो एम सी क्यू वाला पार्ट है तो यहाँ पे वी आर एक्सपेक्टिंग ट्वेंटी फाइव परसेंट निगेटिव मार्किंग विल बी देयर ओके पासिंग के लिए नाउ यहाँ पे देखना

अगर आपको थर्ड वाले में एग्जीशन आ गया है तो आपको ये दोनों मिला के हर एक में 50 50 एग्रीगेट हो जाना चाहिए या तो दोनों मिला के हंड्रेड आ जाना चाहिए तो ही ये तभी ये अलाउ कराया जाएगा अदरवाइज नहीं होगा मतलब पेपर देने की जरूरत नहीं है बट आपके जो बचे हुए सब्जेक्ट्स है उसमें एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट स्कोर कर पाओ करके वैसा इन शॉर्टकट दे आर सिंह की वो जो एक्स्ट्रा टेन मार्क्स मिल रहे हैं ना आपको एक्स्ट्रा जो सिक्सटी के ऊपर जितने भी मिले रहेंगे वो सेट ऑफ में काम नहीं आएंगे किधर भी ओके ठीक है नेवर uh, देस आप बस इतना रखना एग्जामेशन फोर्थ अटैम्प्ट से भी मिलेगा बस प्रोवाइड आपके दूसरे सब्जेक्ट का फिफ्टी परसेंट यौ से ज्यादा हो जाना चाहिए नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ सर सी ए फाइनल सर सी इंटर इसके बीच में कुछ तो होता है देखो क्या होता है यहाँ पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी आपको एलिजिबल मतलब सी ए फाइनल अपीयर करने से पहले क्या क्या करना होगा ऑब्वियसली सर आपके सी ए इंटर के दोनों ग्रुप क्लियर करने होंगे हाँ दोनों को क्लियर करने के बाद आपको आईटी और ओटी दैट इज़ इनफॉर्म आईटी और ओरिएंटेशन जो कंप्लीट करना होता है सॉफ्ट स्किल्स के लिए वो आपको कंप्लीट कर देना होगा देन ओनली यू कैन अपियर फॉर फाइनल तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस आपको ये uh, इंटर के दोनों ग्रुप क्लियर करने हैं और कम्प्लीट uh, करना चाहिए आई टी ओ टी दे एक और चीज, आपकी गुण गुण चीज़ आपकी आर्टिकलशिप कितने महीने की कंप्लीट होनी चाहिए सिक्स मंथ्स की वेरी गुड न्यूज़ पहले थर्टी सिक्स मंथ्स की आर्टिकलशिप हुआ करती थी अभी ट्वेंटी फोर मंथ्स की करा दी गई है और एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो है अभी के लिए आप एक तो जो होता है फाइनल के लिए दो रूट से आ सकते हो एक तो आप फाउंडेशन रूट से आ सकते हो तो ये आपका डायरेक्ट एंट्री रूट से आ सकते हो बी कॉम दे के तो फाइनल के पहले फाउंडेशन रूट हो या डायरेक्ट एंट्री रूट हो ओनली आफ्टर पासिंग बोथ द ग्रुप्स ऑफ सी ए इंटर तो आपकी आर्टिकलशिप शुरू कब होगी सर दोनों ग्रुप क्लियर करने के बाद ग्रुप वन भी और ग्रुप टू तो भी आपको इंटर का क्लियर करना होगा तभी आप आर्टिकलशिप शुरू कर पाओगे और आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के बाद मतलब आपको सबसे पहले तो इंटर क्लियर करना है आई कंप्लीट करनी है उसके बाद आर्टिकलशिप के मिनिमम छः महीने होने चाहिए तभी आप फाइनल दे सकते हो मतलब गुड न्यूज है आप छह महीने बाद फाइनल दे सकते हो लेकिन सर फाइनल देने से पहले जैसे मैंने बोला लॉ हटा दिया गया है और एस हटा दिया गया है मतलब हटा नहीं दिया गया है अब वो ऑनलाइन लर्निंग में बिकॉज लॉ करना है तो सी होता है और एस के लिए सी करके कोर्स है इज़ न उन्होंने सी है तो इनको अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाया गया कंप्लीटेड फोर आपको फोर्थ ये कंप्लीटेड फोर सेट्स है आपके सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल के सेल्फ पेस्ड मतलब आपकी इच्छा सुना इच्छा अनुसार आप दे सकते हो ऑनलाइन देखो बट इंपॉर्टेंट है ये मैंडेटरी है ऑनलाइन देना है एग्जाम ई लर्निंग ई लर्निंग बोले तो मैंडेटरी बट सर ई लर्निंग ऑनलाइन देना है बट मैंडेटरी है कि देना अभी कैसे कंडक्ट करेंगे ऑनलाइन में लेट्स सी हा बट अभी आपका यहाँ पे चार सेट होंगे जो आपको देने ही होंगे मतलब आप फाइनल अपियर करने से पहले ये ये चीजें कंप्लीट करनी है आपको ये वाला चीज भी कंप्लीट करना होगा क्या ये चार पेपर्स कौन से कौन से पहला इकोनॉमिक लॉ दूसरा एस ऑनलाइन के थ्रू से इसमें भी फिफ्टी परसेंट आपको आने चाहिए ईच मॉड्यूल के अंदर मिनिमम फिफ्टी परसेंट और इसके अंदर जो ज्यादा मार्क्स आया ना उसका आपको फाइनल में इधर किधर सेट ऑफ नहीं मिलेगा हाँ यहाँ पे नहीं मिलेगा नॉ सी uh, और डी और में कुछ अदर पेपर है जिसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा लाइक कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल वगैरह डी में भी लाया गया साइकोलॉजी uh, वगैरह उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना होगा सो ओवरऑल इवन आर्टिकलशिप के इंक्रीमेंट आप क्या बोलते हैं स्टाइपेंट होता है उसको भी इंक्रीज करने के बारे में बात की गई है it. So, it आपका सी ए फाउंडेशन का था इंटर का था फाइनल का था यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज सी ए राहुल पंचाल फॉर मोर अपडेट एंड आई टी सी ए फाइनल कॉस्टिंग एंड एस सी एम पी एंड इवन अकाउंट ऑल्सो तो यहाँ पे दैट्स इट फॉर द डे थैंक यू सो मच बाय बाय लाइक द वीडियो बिकॉज इट कैन रीच टू मैक्सिमम पीपल तो डोंट फॉर्गेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो सब्सक्राइब टू दिस चैनल थैंक यू सो मच बाय बाय एंड प्लीज डोट फॉर्गेट टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम लॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंट्स का नाम है अपना अकाउंट का नाम इंस्टा हैंडल का यूट्यूब अगेन लॉस्ट इन कॉस्ट एंड टेलीग्राम पर है सी ए राहुल पंचाल थैंक यू सो मच बाय बाय दैट्स इट फॉर द डे बाय